சென்னையில் வெட்டி கொல்லப்பட்ட பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் மாயாவதி பேசி வருகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். और उनको किस तरीके से काट के मतलब उनकी मृत्यु की गई है, हत्या की गई है और उनकी मृत्यु हुई है, तो हम सरकार से चाहेंगे कि उनके परिवार को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उनके परिवार को हर तरीके से उनकी मदद की जाए, स्टेट गवर्नमेंट मदद करें, सुरक्षा उपलब्ध कराएं। और मैं फिर इस बात को मीडिया के माध्यम से कहती हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आप लोग ध्यान दें। जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके साथ जुल्म जाति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना घटी है, तो आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, सरकार को गंभीर होना चाहिए और जो असली अपराधी है वो पकड़े जाने चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को बेहतर यही है कि ये मामला सीबीआई को इनको रेफर करना चाहिए। आप लोग सब बहुत दुखी हैं, हमारी पार्टी बहुत दुखी है और परिवार के लोग भी बहुत दुखी हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे में मेरा उनके साथियों से, पार्टी के लोगों से यही कहना है, तो जिस हिम्मत और हौसले के साथ वो जी जान से इस पार्टी मूवमेंट को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे, तो आप लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो उनको भी जिधर भी, अभी मैं तो अंधविश्वास में ज्यादा यकीन नहीं रखती, लेकिन जो उनकी काम करने की जो उनकी एक चाहत थी, गरीब और मजलूमों की मदद करने की, एक एडवोकेट होने के नाते भी गरीबों की वो बहुत मदद करते थे, फ्री में उनका केस वगैरह देखते थे, गरीब होते थे उनकी आर्थिक मदद करते थे, तो बहुत ही सुशील नेचर के, मानवतावादी नेचर का उनका व्यक्तित्व था। तो इसलिए उनके जिस तरीके से हत्या की है, हमें बहुत ज्यादा दुख है, पार्टी को बहुत ज्यादा दुख है। आप शांति बनाए रखें और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दें और जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ आगे जुल्म जाती नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने भी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या किया, उनको ऐसी कड़ी सजा सरकार दे। यदि आप नहीं हैं तो इस मामले को सीबीआई से को रेफर करें। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः इनके परिवार को, जो स्टेट के प्रेसिडेंट अब नहीं रहे, उनके परिवार को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी उनके साथ है, हर सुख दुख की घड़ी में हम उनका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் வீர வணக்கம்।